आप बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद प्रशासन इन बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर्स भेज देगा, जहां सही देखरेख में बच्चों के रहने और खाने का इंतजाम होगा। जब कोई योग्य परिवार बच्चों को गोद लेने आगे आएगा तो जांच पड़ताल और जरूरी कार्यवाही के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चे को योग्य दंपति को गोद दे दिया जाएगा। इससे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बिना कानूनी प्रक्रिया के बच्चे को गोद लेने पर आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा हो सकती है। इस काले डिजिटल जहान में दो कदम आगे बढ़ते ही आपको एक गहरी खाई मिलेगी, जिसमें झूठ में लिप्त खबरें मिलेंगी। इन खबरों की काली कब आप पर लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया के दो राजा हैं, दोनों नीले और सफेद रंग में रंगे हैं। पहले ने अपने नाम में बुक जोड़कर लोगों में अच्छी पहुंच बना ली है, इतनी कि 150 भ्रामक पोस्ट से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक गलत जानकारी पहुंचा दी। दूसरे राजा ने अपने आप को चिड़िया का रूप दे दिया है। इस चिड़िया के पंख 65 झूठी खबरें लेकर इतनी तेज फड़फड़ाए कि सीधे 35 लाख लोगों तक पहुंच गए। हुआ ये कि अलास्का के अलेउटियन द्वीप समूह और कनाडा के जेम्स बे हडसन बे से निकली गर्म हवाओं ने एक सिस्टम बना लिया था। उनके अंदर ठंडी हवाएं घुसी नहीं पा रही थी। जैसे किसी प्रेशर कुकर के आसपास ठंडी हवाएं तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं जा पाती। अंदर इतनी ज़्यादा गर्म हवा होती है कि जो भी कुकर के अंदर होता है वो या तो उबल जाता है या जल जाता है। उस समय अमेरिका और कनाडा उसी प्रेशर कुकर में उबलता हुआ महसूस कर रहे थे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जब साल 1979 में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आयरलैंड के गांव गए हुए थे, तब 27 अगस्त को जब वो झींगा पकड़ने समुद्र में गए तो उनकी बोट में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में लॉर्ड माउंटबेटन की मौत हो गई थी। इस बोट में IRA यानी कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने बम लगाया था। जिस भी गैस का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, जैसे एक ज़ेनॉन या क्रिप्टॉन, वो पहले ही लिक्विड बन जाते हैं। ऐसा होते ही उन्हें हटा दिया जाता। इसी तरह जब -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील होती है तो उसे अलग कर सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है। इसे मेडिकल ऑक्सीजन कहा जाता है, जो कि अस्पतालों में सप्लाई किया जाता है। जैसे इसका फ्लो रेट अच्छा हो, यानी ये 1 मिनट के अंदर 1 से 5 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, और प्यूरिफिकेशन रेट यानी ऑक्सीजन की शुद्धता जितनी ज्यादा रहे उतना अच्छा। परिसीमन, इसका मतलब है सीमा का निर्धारण करना। दरअसल आर्टिकल 82 कहता है कि हर 10 साल में जनगणना के बाद मौजूदा सरकार परिसीमन आयोग बना सकती है। देखिए, आबादी का बढ़ना घटना जाहिर है, तो फिर आबादी के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। इन सीटों को कम ज्यादा करने का अधिकार परिसीमन आयोग के पास है। राज्य में 7 सीटें बढ़ने वाली है। अब हर पार्टी की निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये 7 सीटें जम्मू कश्मीर में आती है तो इससे भाजपा का फायदा हो सकता है। इसी वजह से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस परिसीमन के विरोध में थी। अगर सोशल मीडिया पर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक पोस्ट की जानकारी मांगती है तो कंपनियों को वो देनी होगी। कंपनियों को 3 महीने में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे। ये सभी भारतीय नागरिक होंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 41% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 14 से 30 साल के बीच की थी, यानी कि कुल सुसाइड करने वालों में करीब आधे युवा हैं। साल 2017, 18 और 19 में रेप या शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर 202 महिलाओं ने आत्महत्या की। इनमें आधे से ज्यादा लड़कियां 14 से 18 साल के बीच की थी। इन 3 सालों में शादी की समस्याओं की वजह से सुसाइड करने वालों में 13,386 महिलाएं हैं। इनमें करीब 1/4 यानी कि 4,509 सुसाइड दहेज की वजह से हुए। सुसाइड करने वालों में 59 वो थी जो 14 से 18 साल के बीच की थी।
भारत की बात करें तो ये मानसूनी हवाएं हिंद महासागर और अरब सागर से देश के दक्षिण पश्चिमी तट पर आती हैं। ये हवाएं अपने साथ पानी वाले बादल भी लेकर आती हैं। गर्मी के दिनों में जमीनी इलाकों की गर्म हवा ऊपर उठने लगती है, इस वजह से जमीनी इलाकों में लो प्रेशर एरिया बनने लगता है। इसके उलट समुद्र में हाई प्रेशर एरिया बनने लगता है क्योंकि जमीन के मुकाबले वहाँ ठंड ज्यादा होती है। समुद्र की यह हवा लो प्रेशर इलाकों यानी जमीन की तरफ बढ़ने लगती है और अपने साथ समुद्र की नमी भी ले आती है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, तो वहीं दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का डेटा कहता है कि इस साल जून में 188.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 13% ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से 101% ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है, यानी जुलाई से सितंबर के बीच अभी 88% बारिश और होगी। मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 43% ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 34%, राजस्थान में 12%, बिहार में कुल 119%, उत्तर प्रदेश में 70%, महाराष्ट्र में 37% बारिश हुई है। वहीं गुजरात में कुल बारिश सामान्य से 8% कम हुई है।